सोलन में एससी एसटी वर्ग के उत्थान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन तक प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं पात्र नागरिकों तक पहुंचे, इसके लिए एससी एसटी निगम पुरजोर कोशिश कर रहा है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पात्र नागरिक अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इसके लिए कर रहे हैं। ये जानकारी पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी शीला ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि वे कई वर्षों से एससी एसटी वर्ग के लिए काम कर रही हैं। उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उनकी समस्याओं का हल तुरंत हो, इसके लिए वे सदा प्रयासरत हैं। कुमारी शीला ने बताया कि वे एससी एसटी वर्ग को स्वावलंबी बनाने के लिए पिछले 25 वर्षों से प्रयास कर रही हैं, जिनमें पात्र व्यक्ति को समय पर पेंशन मिले, गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिले, इस कार्य में कोई रुकावट ना आए, इस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने पेंशन की उम्र 80 वर्ष से घटाकर 70 कर दी है। अब महिलाओं के लिए यह 65 वर्ष तय की गई है। इस निर्णय के लिए वे प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करती हैं। उन्होंने कहा कि 65 से अधिक उम्र की महिलाओं को जल्द से जल्द पेंशन मिल सके, इसलिए वे गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक कर रही हैं और उनकी औपचारिकताएं पूर्ण करवाई जा रही हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, पिछले 20-25 सालों में मैंने लगभग जो एससी एसटी के लोग हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा काम किया, उसमें चाहे वो महिला विकास निगम हो, चाहे एसएससी कॉरपोरेशन हो, जो हमारी महिला दलित पिछड़ी महिलाएं थी उनके लिए बहुत काम किया, जैसे पेंशन का काम, लोगों को दुकानों का काम, लोगों को घरों के लिए लोन दिलाना, जो बेचारे पिछड़े लोग, कईयों को छात्रवृत्ति दिलाने का काम, और जिस प्रकार अभी अभी जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो निर्णय लिए जिसमें 70 साल की जो पेंशन की उम्र घटा 80 से घटाकर 70 की, उस 70 साल के हमने मैक्सिमम जो मेरी 14 पंचायतें थी जिला परिषद की, हमने पंचायतों में जाकर पूरे परिवार रजिस्टर से निकालकर जो 70 वर्ष पूरे जिन्होंने कर लिए थे उनको सबको पेंशन लगवाई, और अन्य जो भी कई जैसे कई कईयों के फादर एक्सपायर हो गए बच्चों के, उनको जो यहाँ से एड मिलती है वेलफेयर से वो काफ़ी दिलाए। और अब मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय श्री जयराम ठाकुर जी का कि उन्होंने 65 वर्ष से अबव महिलाओं के लिए भी पेंशन का जो प्रावधान कराया है, और अब हम 65 वर्ष की जो सभी महिलाएं उनके लिए अब काम करेंगे।